गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय लक्ष्मी फ्रॉम विवेकानंद मॉडर्न अकेडमी। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड फिट। ओके, लेट स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सेंटेंसेस विद पिक्चर। लुक हेयर, हेयर इज टॉपिक है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ पिक्चर। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर की स्पेलिंग जो होगी वो हमें यहाँ पे कंप्लीट करनी है। एक चीज़ और यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जितनी भी पिक्चर बनी है ये आई साउंड वाली हैं, यानी इन पिक्चर्स में आई साउंड ही आएगा, यानी ये आई साउंड वर्ड्स हैं। ओके, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और थ्री लेटर वर्ड्स ही हैं, किसी भी पिक्चर में थ्री लेटर से ज़्यादा वर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए। तो लेट स्टार्ट। डिग डिग, अब यहाँ पे ये देखिए, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा एक गड्ढा खोद रहा है, तो ये भी इसको कहते हैं डिग, यानी गड्ढा खोदने को डिग बोलते हैं। तो डिग डिग डिग, यहाँ पर भी डिग आएगा, डी आई जी डिग। डिग डिग डिग, सी द बिग, अब ये क्या बना हुआ है, पिग, वेरी गुड, सी द बिग पिग, तो यहाँ पे पी आई जी पिग आ जाएगा। फिर द पिग हैज़ अ विग, अब यहाँ पे पी आई जी पिग और यहाँ पे डब्ल्यू आई जी विग। ही इज इन अ पिट, ये जो गड्ढा खुदा हुआ होता है इसको पिट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा पिट। द पिग हैज़, अब ये क्या लिखा हुआ है, सिक्स, तो यहाँ पे सिक्स की स्पेलिंग लिखनी है, एस आई एक्स सिक्स, सिक्स फिग, यानी द पिग हैज सिक्स फिग। कैन द पिग, पी आई जी पिग यहाँ पे हो जाएगा। डू अ जिग इन द, कहाँ रख, क्या करना है, डू अ जिग इन द पिट, तो इसको हमें कंप्लीट करना है। अब इसको मेरे साथ साथ देखिए कैसे कंप्लीट करना है, ये अगर आपके पास बुक है तो ये आप बुक में इसको कंप्लीट करेंगे। ये पेज नंबर है 30, बुक का नेम है आपकी इंग्लिश एक्टिविटी बुक बी। ओके, तो इसको मेरे साथ साथ करेंगे। डिग डिग डिग, सी द बिग पिग, द पिग हैज अ विग, ही इज इन अ पिट, द पिग हैज सिक्स फिग। कैन द पिग, जो पिक्चर बनी है उसी की स्पेलिंग हमें इस ब्लैंक में लिखना है। डू अ जिग इन द पिट, यानी उसने जिग को कहाँ रखा है, पिट में, यानी गड्ढे में। ओके, नेक्स्ट, सिड इज अ, सिड जो है इस बेबी जो है यहाँ पे इसका नेम है, तो जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको हम लोग किड बोलते हैं, के आई डी किड। सिड इज अ किड, के आई डी किड, सिड इज अ किड। ही हैज अ टिन, टिन मीन्स जो टिन का एक डिब्बा होता है, टिन। अ निब, एन आई बी निब, एंड अ पी आई एन पिन। द टिन अ बिब, बी आई बी बिब, इज एंड सिड, ऑन सिड, सिड इज बाय अ टिन। द टिन हैज अ लिड, लिड मीन्स ढक्कन। तो आपने यहाँ पे देखा
कि किस तरह से पिक्चर से हमने पूरा सेंटेंस बना दिया, जो पिक्चर बनी हुई थी उसको लेकर पूरे पूरे सेंटेंस कंप्लीट हो गए। आपको इसी को बुक, इंग्लिश की बुक जो है एक्टिविटी वाली, उसमें पेज नंबर 30 पे इसको कंप्लीट करना है। वंस अगेन रिपीट विद मी, डिग डिग डिग, सी द बिग पिग, द पिग हैज़ अ विग, ही इज इन अ पिट, द पिग हैज़ सिक्स फिग, कैन द पिग डू अ जिग इन द पिट, सिड इज अ किड, ही हैज़ अ टिन, अ निप एंड अ पिन आर ऑन द टिन, अ बिब इज ऑन सिड, सिड इज बाय अ टिन, द टिन हैज़ अ लिड। तो ये देखा, आपकी ये एक्सरसाइज भी हो गई और ये आपने रीडिंग भी कर लिया। तो आप सब इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे और जो भी इसकी स्पेलिंग है उसको लर्न करेंगे। यहाँ पे आपने चीज ध्यान दी कि सारे जितने भी वर्ड्स इस बॉक्स में आए हैं ये सारे थ्री लेटर वर्ड्स हैं और सब में बीच में आई आया है, यानी ये सारे आई साउंड वर्ड्स हैं। तो आपको ये सारे आई साउंड वर्ड्स को लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।